हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कि रॉन्ग डेटा को कैसे फिक्स कर सकते हैं। देखिए, रॉन्ग डेटा क्या होता है? रॉन्ग डेटा या तो वो ये कह लीजिए कि ना वो तो एम्प्टी सेल में होता है, ना वो रॉन्ग फॉर्मेट में होता है। तो एक्चुअली रॉन्ग डेटा होता क्या है? ठीक, रॉन्ग डेटा वो होता है, यानी कि समझ लीजिए कि यूजर से गलती हो गई। यूजर को डालना होता है 99 डेटा में, ठीक। तो उसने गलती से क्या डाल दिया? उसने गलती डाल दिया 1.99 डाल दिया, ठीक, या गलती से डाल दिया 0.99 डाल दिया, ठीक, या 9 डाल दिया, ठीक। इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं उनको बोलते हैं रॉन्ग डेटा, ठीक। ये जो गलती हो जाती है बाय डिफॉल्ट, किसी यूजर से गलती हो जाती है, या गलती से वो टाइप हो जाता है, ठीक, या डेटा कलेक्ट हो जाता है गलती से, ठीक, मिस एरर आ जाती है, तो इस डेटा को हम लोग क्या करते हैं? फिक्स करते हैं, ठीक। एक चीज माइंड में रखना कि जो रॉन्ग डेटा होता है ये इसको ना इसको हम कह सकते हैं या एम्प्टी सेल्स में नहीं कह सकते हैं या रॉन्ग फॉर्मेट में नहीं कह सकते। ये होता है जो बाय मिस्टेक हो जाती है, जैसे किसी डेटा कलेक्ट करते वक्त, डेटा बनाते वक्त, ठीक, जो डेटा होता है, डेटा फिर जो डिजाइन की जाती है, ठीक, या यूजर डेटा को रजिस्टर करता है, या कोई रजिस्टर कोई डेटाबेस में जो संभालता है उससे गलती हो जाती है, ठीक। तो वो डेटा को हम लोग यहाँ पे फिक्स करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? यहाँ पे भी दो दो चीजें होती है, या तो उस डेटा को हम लोग उस रो को रिमूव कर देंगे, या हम लोग डेटा को रिप्लेस करेंगे, फिक्स करेंगे। अब यहाँ पे फिक्सिंग के लिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास डेटा है लाखों में, ठीक, और बहुत उसमें कम से कम 15 से 20 हज़ार मिस्टेक्स हैं, रॉन्ग डेटा है। अब इतना डेटा को हम लोग वन बाय वन नहीं कर सकते, तो लार्ज डेटा को हम लोग अगर सही करना है तो हम लोग कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं, कुछ बाउंड्रीज बनाते हैं। अब वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा को हम लोग देखते हैं हमारा डेटा किस फॉर्मेट में है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इंपोर्ट पांडास एस पीडी ऑल, हम लोग डीएफ डॉट रीड पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी हम लोग क्या किया, डेटा को रीड कर लिया, ठीक। अब डेटा को रीड किया, देखिए इसमें रॉन्ग डेटा कहाँ पे है। अगर हम गौर करें ड्यूरेशन में देखें तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर, देखिए 7 नंबर पे यहाँ पे 450 लिखा हुआ है, बट बाकी की जो वैल्यूज हैं वो 60 से 40 और 30 के बीच में, जैसे कि देखिए 45 से लेकर 60 तक है। बाकी खाली एक ऐसा ही डेटा है जो कि 440 है, यानी कि 450 है। तो ये बाय मिस्टेक यहाँ पे किसी ने डाल दिया था। इसी डेटा को हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। अब फिक्स करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ रूल्स बनाएंगे, ठीक। अब रूल्स बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने इंपोर्ट किया डेटा को, इंपोर्ट कर लिया। डेटा को इंपोर्ट करने के बाद हम लोग रूल हम लोग लूप लगाएंगे एक्स इन डीएफ डॉट इंडेक्स इफ डीएफ डॉट एलओसी एक्स कॉमा, हम लोग किसमें डेटा हम लोग रॉन्ग मिला है, ड्यूरेशन में मिला है, तो ड्यूरेशन करेंगे ग्रेटर देन अगर 120 है, ठीक, तो df डॉट एल ओ सी कॉमा एक्स कॉमा ड्यूरेशन इक्वल टू 120 तो हम लोग ने रूल्स में कहते, तो हम लोग ने क्या किया कि डेटा को ओवरऑल हम लोगों ने किसमें फिक्स कर दिया, 120 पे फिक्स कर दिया, ठीक। और 120 पे डेटा को फिक्स कर दिया तो इसको हम रन कराएंगे हम लोग, ठीक। तो प्रिंट df डॉट टू स्ट्रिंग, ओवरऑल डेटा हमारा जो 450 था तो हमारा डेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सबसे पहले वो कन्वर्ट हो जाएगा 120 पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इफ वैल्यू इज हायर देन 120 तो हम लोग ने क्या किया, तो ओवरऑल ही हम लोग ने सेट कर दिया क्या कि 120 ही वो देखे कि जितनी भी वैल्यू होंगी डेटा की, इसमें मान लीजिए कोई भी वैल्यू अगर हम लोग देखें इसको भी चेंज कर दें, अगर हम वैल्यू को 480 कर दें तब भी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कन्वर्ट होकर 120 आ गए। तो हम लोग ने एक बाउंड्री सेट कर दी, एक रूल सेट कर दिया कि अगर 120 से ज्यादा वैल्यू होगी, ठीक, मान लीजिए 120 से ज्यादा कोई वैल्यू होगी, 400 हो 500 हो 1000 हो 1 लाख हो, तो वो एज इट इज वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 120 में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो मैंने क्या किया, ये हम लोग ने एक एक करके हम लोग ने डायरेक्टली जितने भी मैंने अभी कहा था आपसे, अगर 1 लाख डेटा सेट है, लार्ज डेटा सेट है, उसमें 15,000 20,000 और रॉन्ग डेटा है, तो मैंने सारे 15,000 से 20,000 डेटा को एक ही वैल्यू असाइन कर दी, कौन सी, 120, ठीक। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर इससे बड़ी होती 120 से तो वो 120 ही ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो एक तो रूल ये हुआ, ठीक।
दूसरा रूल क्या हुआ, दूसरा रूल ये है कि हम लोग जो रॉन्ग डेटा अगर हमारे पास है तो उस रो को हम लोग क्या कर दें, रिमूव कर दें। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं डेटा, सेम डेटा पहले कॉल कर लिया। नाउ हमारा 450 है भाई, पुराना डेटा ले लिया ओरिजिनल डेटा, इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, डेटा को रिमूव करेंगे। डेटा को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे लूप वाला, अरे कुछ चेंज कर देंगे हम लोग, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग ये लास्ट डेटा सेट पर जो यूज होगा उसके इस बात कर रहे हैं, हम लोग सिंगल सिंगल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिंगल सिंगल करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमको इतना नहीं पता होगा कौन सा डेटा सेट रॉन्ग है। तो हम लोग लूप लगा के माध्यम से ये कर रहे हैं कि जितना भी डेटा होगा रॉन्ग वो सब चेंज सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सेट चेंज करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग हटा देंगे, ये लिख देंगे ड्रॉप। हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं एक्स कॉमा इन प्लेस इक्वल टू टू, यानी कि जितना भी डेटा होगा ठीक वो सब क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। जितना भी डेटा 120 से ऊपर होगा ठीक, 120 जिस ड्यूरेशन की, जिस ड्यूरेशन का वैल्यू 120 से ऊपर होगा वो सब डेटा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक, नाउ इसको हम लोग इंटर करें और ये देखिए कि जो सात नंबर वाला था 150 था ठीक, ड्यूरेशन वैल्यू था 150, ये 107 वाला वैल्यू क्या हो गया, रिमूव हो गया। जितने भी यहाँ पे 120 से ज्यादा वैल्यू होती ड्यूरेशन की, वो जितने भी रो होते सब डिलीट हो जाता। ठीक, ये दूसरा मेथड हुआ कि हम लोग रॉन्ग डेटा को कैसे फिक्स कर सकते हैं। आपने अभी देखा कि एक डेटा तो हम लोग क्या किए, सिंपल कि एक एक मेथड ये हुआ कि हम उसकी बाउंड्री सेट कर दें, रूल सेट कर दें या उनकी पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दें रॉन्ग डेटा की। दूसरा मेथड हम लोग ने ये देखा कि हम लोग अगर हम लोग के पास रॉन्ग डेटा है तो उस रॉन्ग डेटा के रो को ही हम लोग हटा दें। ठीक, ये दोनों मेथड इसके लिए इस्तेमाल होते हैं फिक्सिंग रॉन्ग डेटा के लिए। नाउ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अब डुप्लीकेट को कैसे रिमूव करेंगे, डुप्लीकेट जो डेटा होगा उसको कैसे रिमूव करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एवरीवन।